अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं शुएब बाजवा मलेशिया के दिल कुआलालंपुर से। तो दोस्तों आज मौजूद हूँ जनाब मस्जिद इंडिया, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है और बहुत बड़ा बाजार लगता है, तो चलिए फिर विज़िट करते हैं इसका। जी दोस्तों, तो ये है जी यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मर, और दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और साथ साथ पैसे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रौनक है, और ये इशा तक जो है ऐसे ही रहेगी, इशा की नमाज तक इसी तरह लोग बैठे रहेंगे। और ये बड़ी बड़ी शॉप है जनाब, लेडीज़ जेंट्स जो इनका मतलब के रवायती सूट हैं और मलेशियन वो पहनते हैं लोग, तो दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। दाएं बाएं यही दुकानें हैं तमाम, ये आप देखें ये जो मलेशियन लेडीज़ पहनती हैं और ईद पे पहन के ये मस्जिदों में जाते हैं वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए। मज़ीद आगे चल के देखते हैं। जी दोस्तों, तो जनाब दाखिल हो चुके हैं अपना मस्जिद इंडिया वाले रास्ते में, और तमाम लोग शॉपिंग करते हुए, क्योंकि ईद करीब करीब है, 4-5 दिन रह गए हैं, तो तमाम लोग मसरूफ़ हैं अपनी अपनी शॉपिंग में। ये देखें, और दड़ादड़ ख़रीदारी हो रही है कि जैसे कि अपने मुल्क में भी होता है। तो ईद से तकरीबन 2 दिन पहले ये तमाम जगह खाली हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने जो गांव हैं जहाँ से आए होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और केएल बिल्कुल खाली हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी आपको रौनक नज़र आ रही है, तमाम बाहर के लोग काम करते हैं, और ईद के दिनों में आपको सिर्फ़ यहाँ पर फॉरनर ही नज़र आएँगे, बाकी जो यहाँ के लोग हैं वो चले जाते हैं अपने गाँव, कंपुंग बोलते हैं उसको। तो इधर चलते हैं जनाब, अंदर देखते हैं। ये जी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, और तमाम तो नहीं घूम सकते क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये जी मलेशियन ड्रेस हैं जो लेडीज़ वगैरह पहनती हैं, और उसके साथ ये देखें ये बिस्किट वगैरह, ये लोग ईद पे जो है ना एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ये ख़ासकर स्वीट्स बड़ी पसंद है इन्हें, तो इनके ये अपने ही बनाए होते हैं, तो वो जो है वो एक दूसरे को ईद पे देते हैं। और ये जनाब ड्रेस है मलेशियन जो मलाई लोग पहनते हैं ईद पे, जो इनका मतलब के ये देखें ट्रेडिशनल जो है वो ड्रेस है, और साथ उस पर ये परना सा होता है ये लपेटते हैं, ये टोपी पहनते हैं जनाब सरों पे। तो तमाम जनाब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर कपड़े की शॉप्स हैं, और लोग ईद पे ये पहनेंगे और नमाज जो है वो ईद की अदा करेंगे। तो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है जनाब, जगह है मस्जिद इंडिया, और वैसे भी यहाँ पे आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, और अब तो फिर ईद है, रमज़ान है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जी दोस्तों, तो जनाब लोग दड़ादड़ ख़रीदारी कर रहे हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो जिन जिन लोगों ने जनाब ईद की शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लें, क्योंकि पीछे सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं, और ये पाकिस्तान तो है नहीं कि मतलब के हमारे लोग तो पता है एक हफ्ता पहले ही छुट्टियाँ शुरू कर देते हैं, या कम से कम 1-2 दिन तो पहले ज़रूर काम छोड़ देते हैं, तो इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता भाई। यहाँ पर जो ईद से 1 दिन पहले है वो भी काम होता है, तो यहाँ पर आए जनाब मस्जिद इंडिया में, वैसे भी बड़ा मतलब के ज़बरदस्त माहौल है, और आके ख़रीदारी करें आपको मज़ा आएगा। जी तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये, आपको देखें जिधर भी मतलब के देखेंगे वहाँ से एक रास्ता जो है वो निकलता है, तो पूरा जो है वो मतलब के घूमना मुमकिन भी नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा यार लंबी हो जाती है। तो मैं आपको जो मेन चीज़ है वो दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर कपड़े का, और जो है वो अब जनाब दूसरी तरफ चलते हैं, फिर उधर देखते हैं उधर क्या चक्कर है। दूसरा ये जी जो मेन इसका मतलब के बाज़ार है यहाँ पर, फिर ये गोल्ड की जो शॉप्स हैं उनका जो है वो मतलब के सेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है, और हनीफा है यहाँ पे जहाँ से लोग सामान लेते हैं, जो जो अपने मुल्कों को जाते हैं वो यहीं से सामान लेके जाते हैं। तो टोटल ये जनाब अपना गोल्ड्स की शॉप है ये देखें आप, और जितना भी सोने का ज़्यादातर कारोबार है कुआलालंपुर में वो यहीं पर होता है। और जी पुलिस बिल्कुल एक्टिव है इनकी, और जो जो ये देखें
गाड़ी मतलब के रॉन्ग पार्क कर रहा है, तो वो उसका साथ साथ चलान करते जा रहे हैं, उन्होंने उस पर रख दिया। ये बड़ा अच्छा निज़ाम है, ये देखिए उन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई हैं दाएं बाएं, तो जिन्होंने भी यहाँ पे पार्किंग की हुई है ना उनका जो है वो चलान करते जा रहे हैं। तो हमारी तरह नहीं है कि जहाँ दिल आए और गाड़ी पार्क कर दी। जी दोस्तों, तो ये देखें जी, ये बहुत बड़ा बाज़ार है, और फिर इधर है, उसके अलावा फिर ये देखें वो काफ़ी दूर तक गया हुआ है। तो आप जिधर भी देखेंगे आपको लोग नज़र आएंगे और शॉप्स नज़र आएंगी और ख़रीदारी करते हुए लोग दिखेंगे आपको। जी तो ये जनाब तमाम आप गोल्ड्स की शॉप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि कतार दर कतार हैं, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री है मलेशिया जनाब। यहाँ पे वैसे चोरी चकारी तो होती है छोटी मोटी, लेकिन जो है इस तरह की बड़ी वारदातें जो कि जैसा कि हमारे मुल्क में होती है, वैसे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो अगर कोई ऐसी जरूरत भी करे तो पुलिस जो है वो बहुत जल्दी ऐसे बंदों को पकड़ लेती है। तो अल्लाह करे जी हमारे मुल्क के भी हालात ठीक हों और हमारा मुल्क भी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, जो पहले कभी रौनकें थी हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो दोबारा बहाल हों, और लोग जो है वो अपनी मयार ज़िंदगी है उसको मज़ीद बेहतर कर सकें, क्योंकि जो हालात हो चुके हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, बस हर दूसरा बंदा जहर खाने को फिर रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे बेहतर फरमाए। जी दोस्तों, तो ये है जनाब मस्जिद इंडिया, और जिसकी मुनासिबत से ये जगह मशहूर है, और आजकल यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है वो रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, तो उसी का जनाब मैं जो आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये है जी मस्जिद की एंट्रेंस, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, माशाल्लाह से अभी बड़ी खूबसूरत है। मलेशिया में जनाब बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद होती हैं और इंतहाई खूबसूरत बनाई जाती हैं। तो ये जो रास्ता है ये दूसरी तरफ जनाब मस्जिद जामिया, एक और खूबसूरत मस्जिद है साथ ही, और इसके साथ जो है वो MRT का जो स्टेशन है ट्रेन का वो लगता है, तो उधर चल के भी देखते हैं उधर क्या सीन है। जी तो ये भी एक बाज़ार है, और छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो हैं यहाँ पे दाएं बाएं आप देख सकते हैं। ये जो है जनाब लास्ट है मस्जिद इंडिया का, और इसकी दूसरी तरफ जो है वो मस्जिद जामिया जो बहुत मशहूर स्टॉप है। मस्जिद जामिया जो है उसके साथ MRT है, और इधर जो है दूसरी तरफ मस्जिद इंडिया लगता है, तो ये शुरू हो जाता है। तो इधर भी जनाब वैसे ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं ईद के लिए, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है। तो ये देखें बिल्कुल एक जैसे तंग सी गली नहीं है, वैसे ही जैसे हमारे उधर होता है छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वैसे ही जो है इन्होंने इधर बनाई हुई हैं। ये जो मलेशियन मर्द हजरात हैं वो ये सूट पहनते हैं, जो इनका मतलब के जैसा हमारा शलवार कमीज़ है, तो इनका जो है ये है। तो यहाँ पे आके तकरीबन जनाब जो मस्जिद इंडिया वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरी तरफ मस्जिद जामिया वो शुरू हो जाती है। जी दोस्तों, तो जनाब ये था जनाब मस्जिद इंडिया रमज़ान बाज़ार, और पूरी अपनी जो आबोताब है उसके साथ जनाब लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ वैसे विंडो शॉपिंग करने आए हुए हैं। तो जनाब शुएब बाजो को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।